चलिए बाबू देखो, पॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक पढ़ा रहा था ना, देखो हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हुए थे ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। मैं पहला चीज सोचो जरा, मैं पहला चीज क्या बताया था आपको, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात आए तो सबसे पहले क्या सोचना है आपको, किस पे गौर करना है बताइए जरा, टर्मिनल्स पे ना, टर्मिनल्स अक्रॉस विच पोटेंशियल सॉरी आर इक्विवेलेंट इज टू बी इवेलुएटेड ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू असाइन द टर्मिनल्स अक्रॉस विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी इवेलुएटेड, इज इट। कुछ बताया था सीक्वेंस में, मैं बता रहा था आप लोग को याद होगा, फर्स्ट सक्सेसिव रिडक्शन तो बता दिया था शायद ना, सक्सेसिव रिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं था ना, कैसे बनाते थे पता चला, याद आया। उसके बाद हमने पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बताया था, क्या बताया था बाबू, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। याद करो इस पे कुछ क्वेश्चन लिया था, याद है ना। चलिए पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पे बात कर रहे थे हम, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक समझ में आया था अच्छे से ना। एक वायर होता है, उस वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, शून्य। कुछ और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो अगर मैं बोल दिया ऐसे, चलो ये है ऐसे, ये बताइए तो जरा, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके दिखलाइए जरा, जल्दी जल्दी कीजिए। ये सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, आर ना, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। याद करो मैं क्या बताया था, नंबर देना ना, तो अगर इसको वन नंबर दोगे बाबू तो इसको क्या देना होगा आपको, इसको इसको। अब देखो इसका मतलब तो समझते हो ना कि वायर दोनों क्रॉस कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है ना, तो क्या हो गया, ये वन है, यहाँ पे आएगा तो ये भी वन ही ना होगा बाबू, ये भी क्या होगा, वन। बात समझ आता है, कोई दिक्कत। चलो अब बताओ जरा, इसको क्या टू नाम दे रहे हो, अगर इसको टू दे रहे हो तो बताइए यहाँ पे भी क्या होगा, ये टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, और यहाँ पे भी, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया। अब बताओ सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का नाम तो दे दिया ना एटलीस्ट, तो अब बताओ जरा किसके किसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। याद करो वो टर्मिनल तो पता है ना आपको, ये कौन सा है, ए, इसको कौन सा नंबर दिया हो आप, वन, इधर कौन सा टर्मिनल है, बी, इसको कौन सा नंबर दिया हो आप, टू, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब बताओ पहला रजिस्टर किसके बीच, वन और टू के बीच, वन और टू के बीच कितना, आर, ए किसके बीच है, टू और आर के बीच, यहाँ पे किसके बीच है, ए, टू और आर के बीच, और ए किसके बीच है, ए भी वन और टू के बीच है ना जी, ये भी तो किसके बीच है, वन और टू के बीच। इसका मतलब सारे रेजिस्टर्स किस में रहे बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे, क्या सारे रेजिस्टर्स किस में रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक में ही आता तो यहाँ थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता ना बाबू, तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक जहां पर भी अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज कर लो, आसानी से पता चल जाएगा ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, हर एक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो आप बात बताइए जरा, ए और बी के बीच निकाल सकते हो इक्विवेलेंट ना, वन अपॉन आर ए बी किसके बराबर हो गया बताइए जरा बाबू, वन अपॉन आर प्लस ऑफ वन अपॉन आर प्लस वन ऑफ वन आर प्लस ऑफ वन अपॉन आर, तो बताइए क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर ए बी जो रहा वो किसके बराबर रहा, फोर अपॉन आर, इज इट। सो आर ए बी इक्वल्स टू व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर अपॉन फोर, इज इट। एक सर्किट में बताता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप सर्किट ना, ध्यान से देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप सर्किट। किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसे देखो अगर मैं ऐसे बोलूं ये रेजिस्टर है, दिस इज द ग्रुप ऑफ फाइव रेजिस्टर्स,
मैं मान लेता हूँ इसका नाम आर वन दिया, ये क्या है आर टू, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर वन, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर टू, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर थ्री, और इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर फोर, इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर फाइव। ये पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट ए, और ये भी कौन सा पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ इसका नाम बी दे दिया, तो ऑब्वियस ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, सब पता तो चलता है। ब्रिज क्या होता है इसमें बताओ तो, ये ब्रिज का काम कर रहा है कि नहीं, ये जो रजिस्टर है वो ब्रिज का ही ना काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ करंट को पहुंचा रहा है कि नहीं, वो क्या कर रहा है ब्रिज का काम कर रहा है। तो याद रखना इसका अगर नाम सी दे देता हूँ तो इसका नाम डी, तो याद रखना ये ब्रिज है, ये क्या है ब्रिज है, इस जो एक सर्किट जो तैयार हुआ सी और डी के बीच वो ब्रिज का काम कर रहा है ना। तो ये ब्रिज बैलेंस भी हो सकता है, ब्रिज अनबैलेंस भी हो सकता है, ये ब्रिज बैलेंस भी हो सकता है, ब्रिज अनबैलेंस भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस कब होगा और अनबैलेंस कब होगा, ध्यान देना जरा। अगर R1 अपॉन R3 और R2 अपॉन R4, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 रहा तो ब्रिज को बोलेंगे बैलेंस, क्या बोलेंगे उसको बैलेंस। तो मैं बोल सकता बैलेंस्ड ब्रिज, इसका नाम ही दे देता हूँ, कौन सा ब्रिज है ये बैलेंस्ड ब्रिज, एक तो बैलेंस्ड होगा और एक कौन सा होगा अनबैलेंस्ड, एक कौन सा ब्रिज होगा अनबैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा बताइए जरा, ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा। हाँ वेरी गुड, इफ आर वन इक्वल टू आर टू विल बी इक्वल टू व्हाट, आर थ्री अपॉन आर फोर, ये क्या होगा ब्रिज क्या होगा बैलेंस होगा। अबे बोलोगे कि सर आर वन अपॉन आर थ्री इक्वल टू आर टू अपॉन आर फोर भी रहेगा तो होगा, अरे ये सब तो पता है ना, अल्टरनेंडो ये सब पढ़े हो ना, R1 वन अपॉन आर थ्री इक्वल टू आर टू अपॉन आर फोर वही ना चीज रहा, या फिर R1 वन इंटू आर फोर इक्वल टू आर टू इंटू आर थ्री रहे तो भी ब्रिज क्या कहलाएगा बैलेंस, देन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब अगर ब्रिज बैलेंस रहा तो क्या होगा, अगर ब्रिज बैलेंस रहा तो क्या होगा, तो आप सोचो अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि जो सी और डी का जो पोटेंशियल वो सेम हो जाएगा, सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, और याद करो अगर पोटेंशियल सेम रहा तो उसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा है। अगर ब्रिज बैलेंस रहा तो ये क्या इंप्लाई करा, पोटेंशियल ऑफ सी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। और अगर ए हालात रहा मतलब वी सी किसके बराबर रहा, वी डी के बराबर, और ए हालात रहा इसका मतलब कोई करंट आर फाइव अक्रॉस फ्लो करेगा क्या, नो करंट फ्लोज अक्रॉस आर फाइव, याद है ना बाबू पढ़ाया ना तनिषा ऐशब, हायर करंट कहां से कहां फ्लो करता, हायर पोटेंशियल से, ये सब पता है ना। तो याद रखना इसका मतलब क्या रहा, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम रहा ये इंप्लाई क्या करा, नो करंट फ्लोज अक्रॉस, अक्रॉस कौन सा आर फाइव। अब आर फाइव के अक्रॉस कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो सर्किट में रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसको सर्किट से हटा नहीं दोगे, आर फाइव फट गया ना, खत्म हो गया आर फाइव ना, और जब आर फाइव फट गया तो सोचो इमेजिन करो तो आर फाइव फट गया तो क्या हो गया, ये दोनों, ये दोनों, फिर ये दोनों, काम खत्म। तो याद रखिएगा इस चीज को ना, तो अगर ऐसा रहा तो आर फाइव कैन बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट, सो आर फाइव कैन बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट। सर्किट से क्या करेंगे उसको हटा देंगे, याद रहेगा ये बात बाबू, सर्किट से क्या करेंगे उसको हटा देंगे।
अब सर्किट से हट जाएगा, फिर क्या होगा वो देखा जाएगा, बाद में बात करेंगे हम लोग। इसमें कोई दिक्कत? अब अनबैलेंस्ड ब्रिज रहा तो क्या होगा आप बताइए खुद। अनबैलेंस्ड ब्रिज का मतलब क्या? आर वन अपॉन आर टू इज नॉट इक्वल टू व्हाट? आर थ्री अपॉन आर फोर, बराबर तो नहीं रहा ना जी। तो अगर बराबर नहीं रहा तो यहां से भी तो दो केस एराइज होगा ना बाबू। या तो आर वन अपॉन आर टू बड़ा होगा आर थ्री अपॉन आर फोर से, या आर वन अपॉन आर टू छोटा होगा क्या आर थ्री अपॉन आर। क्लियर है ना? तो यहां पे क्या दो केस एराइज कर सकते हो ना आप बताइए जरा, क्या पहला केस क्या हो सकता है? केस वन, केस टू, ध्यान देना जरा। यहां पे क्या हो जाएगा? आर वन अपॉन आर टू इज ग्रेटर देन आर थ्री अपॉन आर फोर, एक ही केस आता है। दूसरा केस क्या आ सकता है? आर वन अपॉन आर टू इज स्मॉलर देन, अब फिर यहां पे भी कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन फालतू और बकवास का क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ये सब आता है ना अल्टरनेटो यार। आर वन अपन आर थ्री इज ग्रेटर देन आर टू अपन आर फोर भी तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें ना। गुड, याद रखना। रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इज इट? रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई दिक्कत? अब बताओ जरा, अगर ऐसा रहा तो फिर क्या होगा? अब इन लोग भी सोचे ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, यही तो सोचना है फिजिक्स में। बताओ अब क्या रहा होगा, बताओ जरा। अगर R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 से बड़ा है तो बताओ C और D का पोटेंशियल तो सेम नहीं ही रहा होगा ना जी। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा याद रख सकते हो आप। R1 अपॉन R2 अगर ज्यादा है R3 अपॉन R से, तो याद रखना ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये क्या, सॉरी ये लोअर पोटेंशियल पे होगा और ये हायर पोटेंशियल पे होगा। ये किस पोटेंशियल पे होगा? लोअर पोटेंशियल पे, और ये कौन सा? हायर पोटेंशियल पे होगा। तो याद रखना ये क्या इंप्लाई करेगा, समझ जाओगे ना खुद से तुम लोग जी। VC मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इज स्मॉलर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D। अगर पूछ देगा R5 में अब कैसे करंट फ्लो करेगा तो बता दोगे ना D से C, क्योंकि करंट किधर से किधर फ्लो करता, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आया? अच्छा, और अगर ऐसा रहा तो कौन सा लोअर पोटेंशियल और कौन सा हायर पोटेंशियल, तो आप केवल एक ही चीज याद रखना, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा कि नहीं जी। VC विल बी स्मॉलर देन और VC विल बी ग्रेटर देन VD, फिर VC विल बी ग्रेटर देन VD। बताओ अगर ऐसा रहा तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, C से D। बात समझ में आ रहा? आर वन अपॉन आर टू इज स्मॉलर देन आर थ्री अपॉन आर फोर, देन करंट विल फ्लो फ्रॉम C टू D। वाई इज इट सो? बिकॉज C इज एट लोअर पोटेंशियल, इज इट? तो याद रखना इसमें कहां से कहां करंट फ्लो करा जी, करंट फ्लोज फ्रॉम, फ्लोज फ्रॉम सी टू, कौन सा हायर पोटेंशियल पे? डी ना, तो डी टू। यहां पे किधर से किधर फ्लो करेगा बाबू? करंट फ्लोज फ्रॉम, बताओ, सी टू डी। और बराबर रहा तो किधर से किधर करंट फ्लो करा? VC इक्वल्स टू सॉरी R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी नो करंट अक्रॉस R5, इज इट? इतना याद रखना। एग्जांपल जैसे कभी अगर इस तरह का मिल गया आपको, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये क्या है 6 ओम, मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए केवल एक 5 ओम, मान लेता हूँ 3 ओम है, या फिर ऐसा करते हैं ना इसको 12 ओम बोल देते हैं, और ये क्या है 10 ओम, और यहाँ पे एक 20 ओम। आप बता सकते हो ब्रिज बैलेंस है अनबैलेंस, ब्रिज बैलेंस है अनबैलेंस, चेक कर सकते हो ना। 6 इंटू 10 इक्वल टू 12 इंटू 5, या 6 अपॉन 12 इक्वल टू 5 अपॉन 10, या 6 अपॉन 5 इक्वल टू 12 अपॉन 10, वो सब पता है ना, यही तरीका ना है। अगर ये पता चला तो ब्रिज बैलेंस, और अगर ऐसा नहीं रहा तो ब्रिज अनबैलेंस।
तो ब्रिज पता चल गया, देखने से पता चल रहा है कि ब्रिज कैसा है, बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस। अब ब्रिज अगर बैलेंस ही हो तो पता चल गया ना कि ए और ए सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं बाबू, तो 20 ओम रहे या ना रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप 20 ओम को हटा ही ना दोगे, सर्किट से हटा दिए। चलो सर्किट हटाओगे तो अब सर्किट कैसा नजर आएगा बताइए। ए 6 ओम हो गया ना, और ये क्या 5 ओम, ये बताओ जरा 12 ओम, और ये कौन सा बताइए जरा, ये 12 ओम, और एक कितना ओम है 10 ओम, यही ना रहा कोई प्रॉब्लम। अब बता सकते हो 6 और 5 सीरीज में है पैरेलल में, तो इसको अगर और भी बढ़ाओगे अगर सॉल्व करोगे तो आता ही है। तो बताओ ये 6 5 11 ओम हो गया ना जी, 11 ओम। एंड व्हाट अबाउट दैट 12 और 10 22 ओम, याद आ रहा है कुछ? ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया क्या? तो आर को इक्विवेलेंट निकाल दूं, तो अगर इसका नाम ए दे रहे हो और इसका नाम बी दिए हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द दिस टू रेजिस्टेंसेज 22 इंटू 11 अपॉन 22 प्लस 11, दैट विल बी व्हाट 22 इंटू 11 अपॉन 33, एम आई राइट, दैट विल बी 22 अपॉन 3 ओम, डोंट डू 22 अपॉन 3 ओम आएगा ना। कॉपी कर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ऐसा बोल दिया है, मान लेता हूँ ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम ले लो, 4 ओम है और ये क्या है 3 ओम और ये 2 ओम। अब बताओ ब्रिज बैलेंस है क्या? अनबैलेंस ब्रिज, तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं आराम से? कैसा ब्रिज है? अनबैलेंस ना, बना सकते हैं आप लोग। अगर इसकी अगर बात करोगे तो ये क्या है, इसमें दो स्टार दो डेल्टा नजर आ रहा होगा। पहला देखो, ये 2 ओम है और ये वाला कितना बाबू 3 ओम, और यहाँ पे ये वाला कौन सा 2 ओम, और यहाँ पे कौन सा 4 ओम, और यहाँ पे 3 ओम। इसी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है जी, ये सब वायर का ही ना लोचा है, अरे सब वायर का ही ना लोचा है, कोई दिक्कत नहीं खत्म। आप इधर चलो या इधर चलो, कहीं पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किधर से जाना चाहते हो आप खुद डिसीजन ले लो। आप क्या करोगे, यहाँ पे इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, करते हैं देखते हैं क्या होता है। इधर वाला को करोगे इधर वाला को, आप खुद बताओ, अरे इधर वाला या उधर वाला, जो हाँ तो मन है तो जो है बोल दो आराम से। चलो इसको करते हैं, इधर ऐसे कर सकते हो ना, यही ना कन्वर्ट हो रहा है जी, ऐसे ही ना कन्वर्ट हो रहा है। आप बताए ए वाला वैल्यू कितना हो गया, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना, नहीं रे हाँ रे 8 बाई 9 आया क्या? ये वाला कौन सा 6/9 हो गया कि नहीं जी? देखो ना कितना तेज बचाओ यार तुम लोग, तुम लोग एज में तो ये सब आता भी नहीं था। अब बताओ यार इन दोनों के बीच 12 अपॉन 4 3 12 अपॉन 9, नीचे तो चेंज नहीं हो रहा है जी, 4 2 और 3 का सम जानते हो, 4 2 6 प्लस 3 9 होता है कि नहीं सर, खत्म। अब ये जो डायग्राम बनाओ क्या बना बताओ जरा, यहां से कितना ओम जी 2 ओम, और ए वाला कितना हो गया 8/9 ओम, ये बताओ ये कितना 3 ओम, और ये बताओ ये कितना 6/9 ओम, 6/9 ओम, और ये बताओ कितना कितना बाबू 12/9 ओम। फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आ सकता है।
ये तो तुम लोग देखे ही ना हो, ये देखे हो या नहीं देखे हो जी? अरे देखे हो, इसको नाम क्या दे रहे हो आर? इसको क्या नाम दिया था हमने? आर टू, ये क्या था? आर थ्री, और ये क्या था? आर फोर। इसका नाम आर फाइव, इस पॉइंट का नाम ए था और इस पॉइंट का नाम बी था, इस पॉइंट का नाम सी दिया हुआ था और इसका डी, याद है कि नहीं? अरे क्लियर है, इसी को इस फॉर्मेट में ना रखे हुए थे, याद करो तो। केवल वायर का ही ना लोचा है, झूठ मूठ का उल्लू ना बना रहा है। लेकिन हाँ बाबू, देखना चाहिए पिक्चर तो, देखने आना चाहिए ना, ऐसे देख रहे हो? ये कौन सा है? आर वन है, और ये आर टू। ये कौन सा? ये कौन सा? आर फोर। और ये वाला कौन सा है? आर फाइव है कि नहीं बताओ? चलो पॉइंट का नाम बताओ तो। ये वाला ए ही न है, ये वाला बी ही न है, ये सी है और ये क्या है? डी। अब बोलो ए और ए पिक्चर में कोई अंतर है दोनों में? कुछ नहीं ना है जी। जैसे अगर कभी इस तरह का मिल गया, मान लेता है सर्किट, ये 5 ओम है, 10 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये क्या है? 3 ओम है, 6 ओम है, और ये मान लेता हूँ 5 ओम है, ये मान लेता हूँ ये 11 ओम, और ये क्या है? 22 ओम। मान लेता हूँ 5 ओम है, 10 ओम है, और ये क्या है? 15 ओम। अब बताओ जरा, देखो तो, ये 5/10 1/2 है ना, 2/4 है ना, ये 3/6 1/2, 11, ये भी देख रहे हो? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। जब ऐसा दिख जाए 5/10, अच्छा 1/2, 2/4, अच्छा 1/2, 3/6, 1/2, 11/22, 1/2, अरे समझ में आया? इसका मतलब क्या रहा? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज रहा। तो बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ऐसा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज रहा तो दिमाग में सीधे चलता है हटा ना यार, ऐसा हटा था, ऐसा हट गया कि नहीं? 5/10/15, तो ये खत्म। अब आगे नहीं कर लोगे? कर लोगे? ठीक है तो कर लोगे। तो इस तरह एक वेटेस्टन बीच टाइप का सर्किट जो था वो मैं खत्म कर दिया ना। कैन आई स्टॉप राइट नाउ? चलो।